I'm so sorry, मैं अपने गेस्ट में इतना बिजी हो गया कि आपसे मिल नहीं सका। कोई गल नहीं जी, सबने हमारा बड़ा ख्याल रखा। वैसे आपने यहाँ आके बहुत अच्छा किया, आपके आते तो रौनक जम गई। रौनक तो जी बच्चों ने लगा दी, बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप के चेहरे पे अपने आप रौनक आ ही जाती है। हाँ जी, वैसे स्मित और ध्रुव की जोड़ी लगती बहुत सुंदर है भाई साहब। अरे आप लोगों ने कुछ लिया कि नहीं लिया? प्लीज बैठिए, मैं वेटर को ही बुलाता हूँ। वेटर कोई फॉर्मेलिटी पी चुके हैं बहुत कुछ उधर ही। बस बस हो गया। I'm so sorry, extremely sorry. It's okay, perfectly fine. मैं साफ कर लूंगी वॉशरूम। Yeah, that's right. Thanks. कुछ भी गाओ, मजा आ गया पार्टी में। क्या नाचे हैं सब लोग यार। लेकिन जोगी, देखने वाली बात ये है कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हम दोनों ने की ना। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा ना स्पॉटलाइट ये राज भी लेके गया। एक बनाता कोई और है, खा तो कोई और ही जाता है। यार वैसे कुछ भी गाओ, तीन तो जी का भी ना डांस कमाल का है। नाचते हुए तो बिल्कुल काजोल लगती है। भाई जाय जी, आप देख रहे हैं ना जोगी को, आपको इसने एक भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। और प्रीतो जी इसको काजोल जैसी लग रही है। जरा कान खींचो इसके, वो तो पिटवाएगा यार। मैं तो ऐसे ही
लेकिन इस बार इन्होंने एकदम सही कहा, वाकई प्रीतो ने बहुत अच्छा डांस किया। और अगर डांस पार्टनर अच्छा हो तो डांस तो अच्छा होना ही है। ओ जी, डांस तो मैं भी बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन आज कोई डांस पार्टनर ही नहीं था ना मेरे लिए। और वैसे भी क्या है ना कि मुझे ना घर पे ना प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, घर का फर्श जरा कमजोर है ना। और रहा सवाल प्रीतो का, तो हमारी प्रीतो की तो बात ही निराली है। ये स्टिचिंग में, डिजाइनिंग में, सिंगिंग में, सब में नंबर वन है। ओ, डिजाइनिंग से याद आया, प्रीतो जी, आज इस पार्टी में ना हमारे एयरफोर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी आए हैं, और वो एक अच्छा डिजाइनर ढूंढ रहे हैं एयरफोर्स की यूनिफॉर्म का ऑर्डर देने के लिए। अगर आप कहो तो मैं आपको इनसे बात करवा देता हूँ, काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ जी बिल्कुल, रेगुलर काम मिल जाए तो उससे बड़ी और अच्छी बात क्या होगी। हाँ जी बिल्कुल रेगुलर काम होगा, लेकिन उसके लिए ना आपको रोज हमारे बेस कैंप पर आना पड़ेगा। अरे तो कोई तकलीफ नहीं है जी, मेरे पास लूना है ना, आ जाया करूंगी। बस जी ठीक है जी, तो मैं आपके उनसे बात कर लेता हूँ, आप कल जाके उनसे मिल लेना। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच ध्रुव जी। इसमें थैंक यू की जरूरत है जी, लेकिन हाँ आप मुझे 50% कमीशन जरूर देना। मुझे 50 क्या, 70% ले लेना। क्या बात है यार, कॉल यू बैक यार, सॉरी। ठीक कर नहीं चल सकते क्या? जब इतनी खूबसूरत लड़की सामने हो तो कोई भला अपना रास्ता कैसे दे? देखते नहीं चल सकते? सॉरी मैम, गलती हो गई। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सॉरी वाले सब भूल जाओगे, और मैं मार भी सकती हूँ। बानी नाम है मेरा, बानी, समझे? बानी अच्छा नाम है यार। मॉम, एक्सक्यूज मी एवरीवन, आई एम सॉरी। मॉम, हमने श्मीत के बारे में सबको बता दिया ना, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को, तो प्लीज हमारे एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दीजिए ना, प्लीज मॉम। ध्रुव बेटा, इतनी जल्दी क्या है? उसे पंडित जी नहीं है, अगर आए होते तो डेट उसी दिन फिक्स हो जाती। और इश्मीत के पेरेंट्स से तो हम वैसे भी बात कर ही चुके हैं ना। नहीं मॉम नहीं, कोई भी एक डेट फिक्स कर दीजिए प्लीज, कोई भी। एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने रिश्ते के बारे में सबको ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ बेटा, लेकिन आपने लास्ट वीक ही तो ड्यूटी ज्वाइन करी है, अब इस सब के बीच में एंगेजमेंट, आई मीन डोंट वरी मॉम, मैं एक दिन का ऑफ ले लूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज हमारे एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए ना मॉम। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दूंगी। ओके, लव यू मॉम। लव यू टू बेबी कैरी। मुझे भी क्या हो गया था, कुछ भी याद नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं राजवीर जी के साथ डांस कर रही हूँ। सब कुछ परियों की कहानी जैसा हो रहा था, जिसमें राजकुमार खुद अपने हाथों से अपनी राजकुमारी को सांदी पहनाता है। आज प्रीतो बहुत सुंदर लग रही, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। आज की ये शाम, ये माहौल, सब कुछ एक सपने जैसा है। आज तुम बहुत ही, बोलो। नहीं आप बोलो, पहले तुम बोलो, पहले आप। लेडीज फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको जो बोलना है आप पहले बोल दो। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। वैसे आज आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रीतो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। एक्चुअली
तुम्हारे उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि उसके बाद तुम मुझे वो बात बताओ कि जो मैंने तुम्हें कॉफी शॉप में पूछी थी। तुम्हें पता है प्यार क्या? अचानक प्यास लग गई। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता।